चुनावी मंचों पर सपना चौधरी लगाएगी सियासी ठुमके। कांग्रेस के हाथ को मिला सपना चौधरी का साथ। ड्रीम गर्ल को टक्कर देगी हरियाणा की देसी छोरी। जी हां, सपना के ठुमकों पर बावली हो जाने वाली जनता को कैश कराने के लिए कांग्रेस सपना चौधरी को हाथ के साथ लाने की तैयारी में है। ये बात दिगर है कि पिछले दिनों सपना चौधरी राहुल और सोनिया से मिलने उनके बंगले पर खुद ही पहुंच गई थी, लेकिन जब बात बनती नहीं दिखी तो सपना ने सुर बदल लिए थे और राहुल गांधी की काबिलियत पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। हालांकि कांग्रेस अभी जिस हालत में है वो अपमान के घूंट पीकर भी जीत का स्वाद चखना चाहती है, इसलिए अब वो बीती ताही बिसार दे वाले मूड में आ गई है। खबर है कि सपना चौधरी को कांग्रेस में शामिल कराने की जुगत हो रही है, लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर मौजूद सपना ने शर्त रख दी है। शर्त ये कि लोकसभा का टिकट मिलेगा तभी वो हाथ का साथ देगी। सपना की उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के साथ ही देश के हिंदी भाषी राज्यों में काफी फैन फॉलोइंग है और कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहती है, इसलिए वो सपना की शर्त भी मानने को तैयार है। खबर है कि सपना को मथुरा से बीजेपी की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी के खिलाफ उतारा जाएगा। एक लोकप्रिय चेहरे का जवाब दूसरा पॉपुलर फेस होगा। आपको बता दें कि सपना चौधरी के साथ बिग बॉस के घर में रही भाभी जी यानी कि शिल्पा शिंदे और विवादों की रानी अर्शी खान भी पिछले ही दिनों कांग्रेस का हाथ थाम चुकी हैं। इसलिए इस बात के ज्यादा चांस है कि सपना भी जल्द ही कांग्रेस का दामन थाम ले। हालांकि इससे पहले भोपाल में पहुंची सपना से जब इस बारे में पूछा गया था तो उनका जवाब उनकी हंसी ने दिया था। लोकसभा चुनाव आ रहा है तो कुछ प्लानिंग में क्या रोकर से टिकट टिकट की नहीं, हमने ऐसा उड़ता उड़ता सुना था, हमने क्लियर करना। सर उड़ता उड़ता मेरे पास भी उड़ता उड़ता आता है। आपको बता दें कि यूपी की मथुरा सीट पर लोकसभा चुनाव दूसरे चरण में यानी कि 18 अप्रैल को होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसकी आखिरी तारीख 26 मार्च है। इसलिए अगर सपना को कांग्रेस में शामिल होना भी है तो इन 4 दिनों के भीतर ही होना होगा। वीके न्यूज की रिपोर्ट।